हेलो एवरीवन आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेस में प्रीवियस क्लास में हमने डी त्रिपल एस पीजीटी पी केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन किया था तो ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है डी त्रिपल एस का और यहाँ पे हमने इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड डिस्कस कर चुके हैं आप वो दोनों पार्ट जरूर देखें और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें बहुत जल्द हम इसके सलूशन अपलोड कर रहे हैं और अगर अब आप डी त्रिपल एस बी का कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिससे आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे उसके सलूशन मिलेंगे और कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हंड्रेड वन इसके प्रीवियस क्वेश्चन हम देख चुके थे क्वेश्चन नंबर हंड्रेड वन है जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है उसमें हाइव्राइसन क्या होगा इन दी ऑक्सीजन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टू है द बैलूम ऑफ अमोनिया ओपटेन हुए सिक्सटी लीटर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ ड्राई नाइट्रोजन हुए ऑल बैलूम्स मेजर डैट ई एस टी वुड वी तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन क्या है हंड्रेड क्या है आर्थोफास्फोरस एसिड जो आर्थोफास्फोरस एसिड होगा न्यूट्रल होगा बेसिक होगा ट्राई बेसिक होगा कि मोनो बेसिक होगा क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं हंड्रेड फोर हंड्रेड फोर है हुई ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट नॉट करेक्ट सल्फर ऑक्साइड के वर्जेंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है जरूर उसको लगाइएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस करिए बहुत जल्द इसके सोल्यूशन अपलोड होंगे अभी देखिए आप सारे क्वेश्चन खुद से गेस करिए कि आपकी तैयारी अभी तक आप बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे या फिर स्टार्ट किए होंगे तो आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं कौन कौन से नहीं हैं हंड्रेड फाइव क्वेश्चन है, है पायरो फास्फोरक एसिड तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए पायरो फास्फोरिक एसिड का पूछा है इसके कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी डी आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है नेक्स्ट है यहाँ पे एक कंसीडर द रिएक्शन एक रिएक्शन दी गई है जिसमें यक्स वाई जेड कोपस है और इसका कितना नंबर हम रखें कि यह क्वेश्चन बैलेंस हो जाए हंड्रेड सेवन क्वेश्चन है द कैटालिस्ट यूज इन हाइबर प्रोसेस एंड कॉन्टेक्ट प्रोसेस रिस्पेक्टिवली यानी हाइबर प्रोसेस में हम कौन से कैटालिस्ट का यूज करते हैं और कॉन्टेक्ट प्रोसेस में किसका यूज करते हैं देखिए नया प्रोसेस पता चला हाइबर तो सबको पता होगा कांटेक्ट प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं हंड्रेड एट क्वेश्चन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन मोहर साल्ट, इन ग्रीन बिट्रॉल तो देखिए आप मोहर साल्ट ग्रीन बिट्रॉल मोहर साल्ट पढ़ते हैं ना एम जी फोर सिक्स एस पढ़ते हैं ग्रीन बिट्रॉल पढ़ते हैं तो इन सब में वाटर कितना कितना ले रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर क्या है हंड्रेड नाइन है मोहर सॉल्ट इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड रीजन बी कच मोहर सॉल्ट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड रीजेंट होता है इसका कारण क्या है हंड्रेड टेन नंबर क्वेश्चन है गल्बनाइज आयरन इज ऑपटेन बाई कोटिंग आयरन विथ ए थिन फिल्म ऑफ जो गल्बनाइज आयरन होता है इसको हम ऑप्टेन करते हैं आयरन कोटिंग के साथ विथ ए थिन फिल्म ऑफ किसकी थिन फिल्म के साथ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड इलेवन है जनरली नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो नाइट्रिक एसिड है उसका हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में यूज नहीं करते हैं फ्रॉम मेटल्स मेटल्स में बी कॉज इसका कारण क्या है इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हम देखते हैं हंड्रेड ट्वेल्व क्वेश्चन ए फ्लोराइड ऑफ जेनान फाउंड बाई द रिएक्शन ऑफ यक सी विफ यू एट हाई प्रेशर एंड ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस जो फ्लोराइड है जेनान का उसको अगर हम फार्म करते हैं रिएक्शन ऑफ जेनान के साथ फ्लोरीन के साथ हाई प्रेशर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें क्या मिलता है कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हुईच वन ऑफ दी फॉलोइंग मिक्सचर इज ऑफ्टूज दी डीप सा डाइवर्स फ्राम ब्रीथिंग परपसेज जो समुद्र में गहराई तक जाते हैं किसी चीज़ का पता लगाने के लिए डीप सी डाइवर्स वो अपनी सांस को मेंटेन रखने के लिए क्या लेते हैं ऑक्सीजन के साथ नियान लेते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेते हैं क्रिप्टान लेते हैं आर्गन लेते हैं कौन सी गैस लेते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फोर्टीन है द रिड्यूसिंग पावर ऑफ एल्यूनियम गैलमियम इंडियम एंड थैलियम आर इन दी ऑर्डर इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या होगा देखिए आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा इसीलिए हम पहले इसका सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन सही है नेक्स्ट है दोमेट्री ऑफ स्टेनिक क्लोराइड तो दो होता है ना एक एसियन सी एल होता है सी एल टू होता है एक एसियन सी एल फोर होता है तो उसमें जीमेट्री पूछा है कि किसकी कौन सी जीमेट्री होगी मेटल लेड इज रेडली साल्बुलिन जो लेड है वो किसमें रेडली साल्बुल होगा सल्फ्यूरिक एसिड में डालने पे साल्बुल होगा कि नाइट्रिक में होगा कि हाइड्रोक्लोरिक में होगा कि एस्टिक एसिड में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं हंड्रेड सेवनटीन है ईडी टी ए आपको पता है फुल फॉर्म ना एथाइलिन डाईमिन टेट्रा एस्टिक एसिड कॉम्प्लेक्स मेट्री टाइट्रेशन इन वॉल्व एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर तो देखिए पता चल गया ना कहाँ यूज कर रहे हैं हार्डनेस ऑफ वाटर में मेक यूज ऑफ किसके रूप में यूज करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में या मेटल आयन इंडिकेटर में या फिर एडजैपेशन इंडिकेटर में या फिर रिडॉक्स इंडिकेटर में इसका कहाँ पे किस जगह यूज करते हैं 118 है काफर सल्फेट सोलूशन इज ट्रीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट सोलूशन तो इसमें क्या है जब भी हम कापर सल्फेट सोलूशन को ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट सोलूशन के साथ तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड नाइनटीन है इन पार्क प्रोसेस ऑफ सिल्वर एक्सट्रेक्शन तो सिल्वर एक्सट्रैक्शन के लिए एक प्रोसेस है जिसे पार्क प्रोसेस कह रहे हैं दी मेटल जिंक एर तो वहां पे जिंक मेटल किसके जैसे एक्ट करता है क्वेश्चन नंबर 120 है फेरस सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड सल्फेट कैन बी बेस्ट डिस्टिंगयूज फ्रॉम ईच अदर बाई यूजिंग द रिजेंट तो फेरस सल्फर और फेरिक सल्फेट को हम कैसे अच्छी तरीके से डिस्टिंगयूज करते हैं किस रिजेंट के द्वारा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ट्वेंटी वन है विच ऑफ़ दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन डिट दी इफेक्टिव अटामिक नंबर तो देखिए आपको इफेक्टिव इटामिक नंबर का लेक्चर भी हमारे चैनल पे भी अपलोड है तो इफेक्टिव इटामिन नंबर आपको निकालने आना चाहिए जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव नंबर किसी नोबेल गैस के अटामिक नंबर के बराबर हो तो आप कहते हैं कि इफेक्टिव अटामिक नंबर अथवा वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पे आप सबका निकाल के चेक करिएगा देखिए कौन सा डिवेट कर रहा है नेक्स्ट है दी फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन प्रेसिपिटेटेड वाई ए जी एन ओ थ्री सोलूशन फ्राम यानी जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ए जी एन ओ थ्री कितना परसेंट फ्रैक्शन क्या होगा क्लोरीन इसमें प्रेसिपिटेट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हंड्रेड ट्वेंटी थ्री हुई वन ऑफ दी फॉलोइंग इज ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपको नहीं पता हो लेकिन अगर कभी आप ये कोआर्डिनेशन पढ़े होंगे ना किसी एग्जामिनेशन के लिए तो काफ़ी अच्छे से पता भी होगा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है लो स्पिन क्या है जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो उस सब के सब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लेकिन जो वीक लिगेंड होते हैं वो आपकी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेट्रा डायमीन कोबाल्ट कोवाल्टेंड क्लोराइड दर्डिनेशन नंबर तो सबसे पहले फार्मूला लिखना चाहिए आपको और उसके बाद आपको कॉआर्डिनेशन नंबर पता चलेगा जो आपका एथालीन डाइमिन है बाईड लिगेंड होता है तो सिकेंड ऑक्सीडेशन नंबर उसकी क्वारिनेशन नंबर दुगनी हो जाएगी द बेसिसिटी ऑफ द हाइड्रॉक्साइड ऑफ लिथियम सोडियम रोबेडियम एंड सीजियम तो यहाँ पे बेसिसिटी का आर्डर आप कैसे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स है ए ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्च एज दी हाइएस्ट ऑगनाइजेशन एनर्जी किसकी आइजन एनर्जी क्या होगी हाइएस्ट होगी नाइट्रोजन मोलिविडनम क्रोमियम तो आप कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है हाफ फील्ड है अथवा फुल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा तो आप ऑप्शन लगा लीजिए कौन सा सही होगा हंड्रेड ट्वेंटी सेवन है व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल कौन सा ऑक्साइड यहाँ पे न्यूट्रल है कई सारे ऑक्साइड दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हंड्रेड हुइच ऑ ऑफ़ द फॉलोइंग यूज एज ए निगेटिव कैटालिस्ट फॉर दी डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड देखिए आप अगर पाँच ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं तभी बहुत बात है जितने भी आप कर पाए उतने करिए ऐसा नहीं आप डीमोटिवेट नहीं होना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आप जो पढ़े होंगे उस टॉपिक के क्वेश्चन करिए बाकी क्वेश्चन में बंद ध्यान दीजिए उस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे हुइच ऑफ़ दॉलोइंग इज यूज एज ए निगेटिव कैटालिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड तो यहाँ पे यह सीटान लिड है सोडियम कार्बोनेट है आगजेलिक एसिड है प्लेटिनम है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हंड्रेड ट्वेंटी वन लिथियम डिफर फ्रॉम अदर एलक् मेटल्स ड्यू टू जो लिथियम है और डिफर करेगा अदर एलक् मेटल से इसका कारण क्या है इसकी स्मॉल एटॉमिक साइज और आयनिक साइज हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम हाई आयनिक मोबिलिटी क्वेश्चन नंबर हंड्रेड थर्टी है एन solution of ऑफ ए सबिस्टेंस गिवस ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विथ डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुई डिजाल्विंग ऑन हीटिंग तो अगर कोई सोल्यूशन है सबिस्टेंस है व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायलूट एस टी एल के साथ तो यस टू एस गैस पास कर रहे हैं हार्ट एसडिक सोल्यूशन के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो सबिस्टेंस कौन सा हो सकता है अब देखो करेक्ट पेयर ऑफ क्वांटम नंबर आप कई सारे क्वांटम नंबर पढ़ते हैं ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजमुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर तो कौन सा ब्रोमीन एटम है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा क्वांटम नंबर यहाँ पे सही होगा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड थर्टी टू है कॉमन फीचर ईमाग सी ओ सी एन माइनस एंड एन ओ तो इसका कॉमन फीचर क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ ये सारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हंड्रेड थर्टी थ्री है दी मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ सिल्कन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है हंड्रेड थर्टी फोर देखेंगे पोटेशियम पॉसिज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बी सी सी से आप कहते हैं अगर आप पढ़े होंगे ना सॉलिड स्टेट तो वहाँ पे आप बी सी सी क्रिस्टल लैटिस एफ सी सी ई एच सी सी इंड सी सी एफ एस सी पी कई सारे पढ़ते हैं दी नंबर ऑफ नियरेस्ट आर अगर इस तरीके से दिया है अल्फा इतना दिया है बी बराबर इतना दिया है सी बराबर इतना दिया है अल्फा बीटा गामा तीनों 90 हैं तो कौन सा क्रिस्टल होगा क्वेश्चन नंबर 136 है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पासेज लीडेड टू एन इनक्रीज इन दटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लाइट तो कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर बीटा इमिशन अल्फा इमिशन अल्फाइमिशन इमिशन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड थर्टी सेवन है ए नोन मास ऑफ ए रेडियो मेटेल विथ टी हाफ थ्री डेज वाज इनिशली टेकन अल्टरनेट ट्वेल्व डेज थ्री ग्राम ऑफ दॉ लेटर बिहाइंड वॉट इज इनिशियल मास ऑफ द सिंपल का इनिशियल मास क्या होगा क्वेश्चन नंबर 138 है इन ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही होगा चार ऑप्शन गिवन है आप लोग देखिए क्वेश्चन देखिए टिक कर लीजिए फिर उसको सॉल्व करिए पढ़िए कि न्यूक्लियर फिजन क्या है उसका मतलब क्या है इससे काफ़ी अभी हम प्रश्न पढ़े आंसर बता दिए तो आपकी आदत बन जाएगी वैसे क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है सोला सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड इज ए पुअर कंडक्टर जो सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसका कारण क्या है बीकाच क्योंकि चार ऑप्शन दिए हैं पोटेशियम क्लोराइड आयन डज नॉट कंडक्ट बोथ आई एन ऑक्युपाइड फिक्स पोजिशन बोथ आय है यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस चार्ज ऑफ द आयन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अब हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी है विथ इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेंट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन नंबर तो देखो जैसे जैसे हम क्वांटम नंबर बढ़ाएंगे तो जो एनर्जी है डिफरेंस एडजस्टेंट आर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम वो क्या करेगी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी रिमेन कॉन्स्टेंट हंड्रेड फोर्टी वन इन एन ऑर्बिटल द साइन ऑफ लोफ सिग्निफाइस एटॉमिक आर्बिटल में जो लोफ का साइन है वो क्या बताता है वो फंक्शन का साइन बताता है देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि चार्ज का साइन बताता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का साइन बताता है कि परजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का बताता है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फोर्टी टू है द कंपाउंड कॉन्टेनिंग कंपाउंड विथ प्लस टू एज दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन यानी इसमें कौन सा है जिसमें प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस जो गैसों में रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि स्क्वायर रूट होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा हंड्रेड फोर्टी फोर है द टेम्परेचर एट हुईट रूच मे स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस तो स्क्वायर रूट मैन स्क्र बिलो सिटी का भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पीजीटी में आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द वैल्यू ऑफ वाल कांस्टेंट ए फॉर दैसेज सी ओ टू एन टू सी एस फोर एंड ओ टू गिवेन है कौन सी गैस इजिली लिक्विफाई होगी हुई गैस विल बी ईजली लिक्विफाई अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स सेमी परवेबल मेम्ब्रेन यूज इन दी मेजरमेंट ऑफ आसमोटिक प्रेशर। तो एक मेम्ब्रेन है, जिसका आप यूज कर रहे हैं आसमोटिक प्रेशर के मेजरमेंट में उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फोर्टी सेवन है फॉलोइंग कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज यूज दू डिटरमाइन दी दालिकुलर मास ऑफ प्रोटीन्स तो प्लोरिन के मालिकुलर मास के डिटरमाइन में कौन सा यूज करते हैं आस्मोटिक प्रेशर इलीबेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बेपर पोस्टर हंड्रेड नंबर देखेंगे व्हाट बैलूम ऑफ 10.0 पॉइंट जीरो एम एल एस सी एल मस्ट बी एडेड टू 50 एम एल ऑफ़ जीरो पॉइंट फिफ्टी एम एल एस सी एल टू गिव सोलूशन हुज कंसनट्रेशन उसका कंसंट्रेशन क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन देखेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन इथर सैंपल वाज लोअर्ड बाई जीरो पॉइंट सिक्सटी डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन सारे सॉल्व करने वाले होते हैं इसको निकालना आपको आना चाहिए ऑन डिजाल्विंग टू पॉइंट जीरो ग्राम ऑफ सिंपल फिनाल हंड्रेड ग्राम ऑफ इथर वैल्यू ऑफ इविल्यूस्कोपिक कॉन्स्टेंट फॉर सिस्टम इज फाइव पॉइंट वन टू कैलविन किलोग्राम मोल इनवर्स द रिज़ल्ट इंडिकेट दैट वो रिजल्ट क्या इंडिकेट करता है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फिफ्टी दिया है यहाँ पे एक इक्लवेरियम दिया गया है पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा के पी के सी के बराबर होगा के पी मोर देन होगा के सी के इस तरीके से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अब हंड्रेड फिफ्टी वन से लेके टू हंड्रेड तक के क्वेश्चन हम पार्ट फोर में लेके आएंगे आप हमारा पार्ट फोर देखना ना भूलिए अगर हमारे पी जी टी की बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू ज्वाइनिंग एस सावर सेशन आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं, व टॉपिक आपका बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा